गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, देखिए आज हम आपको लेसन 5 के आई एम जॉन सर इसके ये चैप्टर मेरा कंप्लीट हो गया है और अब इसके हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिखाने जा रहे हैं। नोट डाउन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 पहले तो डालिए, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, सबके पास अलग अलग राइटर की बुक है, अलग अलग पब्लिकेशन की, क्वेश्चन सबके सेम नहीं जाएंगे, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम दिखा रहे हैं। लिखिए, हाउ डज द हार्ट डिस्क्राइब इटसेल्फ, हाउ डज द हार्ट डिस्क्राइब इटसेल्फ, हाउ डज द हार्ट डिस्क्राइब इटसेल्फ। हृदय क्या की जो रूपरेखा है वो कैसी है, अगर किसी में लिखा लिखा होगा हाउ इट्स एप्रियंस, इसकी रूपरेखा कैसी है या हाउ इट लुक्स लाइक, सब सेम है, ठीक है। लिखिए, हाउ डज द हार्ट डिस्क्राइब इटसेल्फ, उसने अपना कैसे वर्णन किया है अपनी। लिखिए, द हार्ट डिस्क्राइब इटसेल्फ, ये क्वेश्चन से लिखिए, द हार्ट डिस्क्राइब इटसेल्फ। अगर आप लोगों के पास बुक हो तो खोल लीजिए, बुक सामने रखिए, चैप्टर की शुरुआत में आइए। द हार्ट डिस्क्राइब इटसेल्फ दैट इट इज नॉट अ ब्यूटीफुल ऑर्गेन, इट इज नॉट अ ब्यूटीफुल ऑर्गेन, ओ आर जी ए एन, ब्यूटीफुल ऑर्गेन कॉमा, Its weight is, बिल्कुल शुरुआत है लाइन में, इट्स वेट, वेट लिखिएगा, वे मत लिखिएगा, इट्स वेट इज 350 gm, 350 gm, फुल स्टॉप, इट इज फिफ्टीन cm, इट इज 15 cm लॉन्ग एंड 10 cm वाइड, 10 cm वाइड, नहीं समझ में आ रहा, 10 cm वाइड, इट इज नॉट रोमांटिक, इट इज नॉट रोमांटिक, इट्स शेप इज लाइक अ पियर, इट्स शेप इज लाइक अ पियर। थोड़ी लैंग्वेज हम लोग चेंज कर लेते हैं, बस यही है। देखिए फिर से, हाँ लिखा है, इट्स शेप इज लाइक अ पियर, इट्स कलर इज रेड ब्राउन, इट्स कलर इज रेड ब्राउन, देखिए एक बार फिर से क्वेश्चन को समझिए, हाउ डज द हार्ट डिस्क्राइब इटसेल्फ, हार्ट ने अपने को कैसे डिस्क्राइब किया, कैसे वर्णन किया है, या हाउ व्हाट इज द शेप ऑफ द हार्ट कोई पूछ ले, या हाउ लुक्स लाइक हार्ट पूछ ले, आपका ये पूरा आंसर रहेगा। आप देखिए एक बार फिर से टेली करिए आंसर, द हार्ट डिस्क्राइब इटसेल्फ दैट इट इज नॉट अ ब्यूटीफुल ऑर्गेन फॉर्मा, इट्स वेट इज 340 gm, इट इज 15 cm लॉन्ग एंड 10 cm वाइड, इट इज नॉट रोमांटिक फुल स्टॉप, इट्स शेप इज लाइक अ पियर फुल स्टॉप, इट्स कलर इज रेड ब्राउन। ओके, आपको पता है 30 word का आंसर मांगा जाता है, ठीक है ना। आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द टू फॉल्स नोशंस अबाउट हार्ट, व्हाट आर द टू फॉल्स नोशंस, व्हाट आर द फॉल्स नोशंस अबाउट हार्ट।
व्हाट आर टू फॉल्स नोशंस अबाउट हार्ट, हृदय के बारे में दो कौन कौन से झूठ तथ्य हैं, कौन कौन से दो झूठ तथ्य हैं, एक फ्रेजाइल है और एक कैसा है, डेलिकेट है, नाजुक है। लिखिए, द टू फॉल्स नोशंस अबाउट हार्ट आर, क्वेश्चन सही जाएगा पहले, नंबर वन लिखिए, इट इज नॉट ब्यूटिफुल, इट इज नॉट वेरी ब्यूटिफुल, वेरी ब्यूटिफुल एंड नॉट वेरी रोमांटिक, नॉट वेरी ब्यूटिफुल, रोमांटिक करेक्टर है इसका नहीं, हाँ, इट इज नॉट वेरी ब्यूटिफुल एंड नॉट रोमांटिक। सेकेंड नंबर डालिए पॉइंट, इट इज फ्रेजाइल, एफ आर ए जी आई एल ई एंड डेलिकेट, इट इज फ्रेजाइल, एफ आर ए जी आई एल ई, फ्रेजाइल एंड डेलिकेट, डी ई एल आई सी ए टी, ठीक, एफ आर ए जी आई एल ई एंड डेलिकेट, डी ई एल आई सी ए टी ई, क्लियर। क्वेश्चन नंबर थ्री आइए, हाउ डज द हार्ट गेट्स इट्स नरिशमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ डज हार्ट गेट्स इट्स नरिशमेंट, हाउ डज हार्ट गेट्स इट्स नरिशमेंट, सबको मिल गया होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, हाउ डज द हार्ट गेट इट नरिशमेंट, दस लगाया इसलिए गेट से नहीं आएगा, गेट आएगा क्वेश्चन में, हाउ डज द हार्ट गेट इट इट्स नरिशमेंट, देखिए, द हार्ट गेट्स इट्स नरिशमेंट, क्वेश्चन सही जाएगा, द हार्ट गेट्स इट्स नरिशमेंट From the blood, from the blood, that comes from his, that comes from his to own coronary arteries, to own OWN, TWO Dwala, to own OWN, own coronary arteries, arteries, A-R-T-E-R-I-E-S, arteries, coronary arteries, please stop. It is not fed, F-E-D, it is not fed by the blood, it is not fed by the blood, comma, passing through his, through T-H-R-O-U-G-H, through his four chambers, किसी का छूटा, एक बार आंसर फिर से रेडी करिए, the heart gets its nourishment from the blood that comes from his two own coronary arteries, stop, it is not fed by the blood, comma, passing through the four chambers, ठीक, इसको उस ब्लड से भोजन नहीं मिलता है जो चार प्रकोष्ठों से निकलता है, बल्कि इसको अपनी ही दूध को,
व्हाई इज स्मोकिंग इंजरियस टू हेल्थ? लिखिए आंसर, स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। जब भी क्वेश्चन वाई करके बना हो तो आपको पता है बिकस से आंसर होता है। स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ बिकस। बिकॉज सम सब्सटेंस SUBSTANCE, सम सब्सटेंस हैव बीन नहीं लगाइएगा, सम सब्सटेंस हैव निकोटिन, ए काइंड ऑफ पॉइजनियस स्टफ, निकोटिन NICOTINE है। NICOTINE सब्सटेंस हैव निकोटिन विच स्टिमुलेट्स स्पेलिंग बोला है STIMULATES स्टिमुलेट्स माने संकुचित कर, उत्तेजित कर देता है, विच स्टिमुलेट्स उत्तेजित कर देता है, विच स्टिमुलेट्स एंड इंक्रीजेस INCREASES इंक्रीजेस इट्स नॉर्मल वर्कलोड लोड LOAD लोड नॉर्मल वर्कलोड एज हार्ट बीट्स इंक्रीजेस फ्रॉम 72 to 80। देखिए स्मोकिंग हमारे स्वास्थ्य के लिए क्यों हानिकारक है, देखिए समझिए पहले, स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। धूम्रपान हमारे स्वास्थ्य के लिए इसलिए हानिकारक है क्योंकि सम सब्सटेंस हैव निकोटिन, कुछ पदार्थ हमारे निकोटिन नामक विषैले पदार्थ अपने अंदर रखते हैं जो इसे उत्तेजित करते हैं और इसकी नॉर्मल वर्कलोड, हार्ट का नॉर्मल वर्कलोड बढ़ा देते हैं, जो जिससे कि हार्ट बीट जो मेरी ये धड़कन है वो मेरी 72 से बढ़कर कहाँ पहुंच जाती है, 80 तक पहुंच जाती है। क्लियर हो गया ना सबका? बस फिर यही खत्म कर रहे हैं आज का होमवर्क, यही है इसी को